राजनीति में अखिलेश का वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा। परिवार के साथ राजनीतिक मतभेदों में फंसे अखिलेश मिशन 2017 को लेकर रथ यात्रा पर निकले तो चार कदम के बाद ही उनकी रफ्तार को ब्रेक लग गया। अखिलेश का रथ एक घंटे भी नहीं चल पाया था कि उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद सीएम को आगे की यात्रा अपनी कार से करनी पड़ी। रथ यात्रा से पहले अखिलेश मंच पर मुलायम और शिवपाल यादव के साथ नजर आए। शिवपाल ने अखिलेश को शुभकामनाएं दी। अखिलेश ने अपने भाषण में उनका नाम नहीं लिया। अखिलेश ने कहा कि मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में युवा, किसान और बाकी सभी लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मंच पर परिवार की एकजुटता दिखाने के बाद अखिलेश पूरे तामझाम के साथ इस रथ यात्रा के लिए रवाना हुए ही थे कि उनके हाईटेक रथ में कुछ ही देर बाद खराबी आ गई। आपको बता दें कि अखिलेश का ये रथ मर्सिडीज की 10 टायर वाली एक बस है, जिसे रथ का रूप दिया गया है। इस बस रूपी रथ की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें तमाम तरह की खूबियां और सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद रथ में खराबी आई और अखिलेश को कार से यात्रा करनी पड़ी। अब सोचने वाली बात यह है कि अखिलेश की रथ यात्रा का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।